नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज में आज का हमारा जो पेपर रहेगा वो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2021 का है। 28 मई 2022 को ये पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC ने कंडक्ट करवाया था। और इस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर से 30 सवाल पूछे गए हैं, जिनका सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप बार बार ये ना पूछे कि हमारे लिए ये कौन से एग्जाम के लिए ये सीरीज है वो महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे RAS की तैयारी कर रहे हैं, RO EO या फिर CET सेकंड ग्रेड टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, AEN थर्ड ग्रेड टीचर, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी हम पेपरों का डिस्कस कर रहे हैं उनमें मेनली ये सिलेबस है जिसमें रहने वाला है। और ये जो पेपर है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का है जिसमें भी यही सिलेबस है, तो ये सभी एग्जाम में कॉमन सिलेबस है और इसी से जुड़े प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें 30 जो सवाल पूछे गए हैं उन 30 में से आप कितने सवालों का करेक्टली जवाब दे पा रहे हैं वो भी आप साथ साथ में अपना स्वयं का विश्लेषण करते हुए चलिए, परीक्षण करते हुए चलिए। और हम प्रत्येक प्रश्नों को एक एनालिटिकल वे में डिस्कस करेंगे ताकि आपके एक प्रश्न के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। और हमेशा जो प्रश्न पूछ जाने की किस प्रकार से प्रकृति रहती है RPSC की, तो उन पर भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि हम जो आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं थियोरेटिकली, वो ऑब्जेक्टिवली किस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो वो हम चीजें देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल राजस्थान भूगोल का है। इसमें पूछा गया है कि 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर और कोटा, झालावाड़। तो दो चीजें हैं, एक तो 56 का मैदान है और एक है 56 की पहाड़ी। तो जो 56 की पहाड़ी है ये आपकी बाड़मेर में लोकेटेड है, ठीक है। बाड़मेर के नाकोड़ा पर्वत है और नाकोड़ा पर्वत के आसपास में जो पहाड़ी है उन्हें कहते हैं 56 की पहाड़ी। और एक है आपका 56 का मैदान, ठीक है, प्लेन ऑफ 56। तो 56 का जो मैदान है ये आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास की जो माही नदी है और उस माही नदी का जो अपवाह तंत्र है उसे 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ये जो वांगड़ वाला 56 का मैदान है वो एक 56 गांवों का समूह है और उसी वजह से उसका नाम है वो 56 का मैदान पड़ गया। तो 56 का पहाड़ी पूछे आपको तो 56 की पहाड़ी आप बताएंगे बाड़मेर, 56 का मैदान पूछे तो वो है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ इस भाग में यानी कि माही नदी के बेसिन में। तो यहां पर 3 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से जुड़ा भी यही सवाल है। अगला भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। शुष्क रेतीला मैदान, लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, इसमें नाली, डेगाना, पचपदरा और बाप यानी कि एक-एक महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है, महत्वपूर्ण धरातलीय विशेषता है उनको यहाँ पर डाला है। और यहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो दे रखे हैं, ठीक है। तो ये पश्चिमी जो थार का मरुस्थल है इसी के अंतर्गत देखिए आप शुष्क रेतीला मैदान। तो शुष्क रेतीले मैदान के अंतर्गत यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बाप इसमें सम्मिलित किया गया है एक में। 4 लूनी बेसिन के अंतर्गत यहाँ पर पचपदरा को रख सकते हैं। शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत हम डेगाना, नागौर को रख सकते हैं और घग्गर यानी कि नाली। तो इस प्रकार से 1 में 4, 3, 2 और 1 इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस सवाल को डिलीट किया है और उसकी वजह यह भी हो सकती है कि इसमें देखिए आप कि पचपदरा है ये भी बाड़मेर में है और बाप है ये भी आपका जोधपुर में है, ठीक
ठीक है, तो ये मेनली पश्चिमी शुष्क रेतीले मैदान के ही हिस्से हैं, ठीक है। तो दोनों ही इसमें शुष्क रेतीले मैदान के अंतर्गत भी हम दोनों को रख सकते हैं। तो इस सवाल को है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिलीट किया है, ठीक है। फिर भी आप मोटे तौर पर अगर मानना चाहे तो ए इसका हम राइट आंसर है वो मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल राजस्थान की नदियों से जुड़ा पूछा गया है कि नदियों का जो ओरिजिन पैलेस है, उद्गम स्थल है, और वहां से कौन सी नदी है वो उद्गम होता है उनका, और उसमें से कौन सा है वो करेक्टली सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। ओरिजिनिंग पॉइंट और रिवर, तो देखिए दिवेर कोठारी नदी यानी कि दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है, यही कहना चाह रहे हैं इस सवाल में। खमनोर की पहाड़ियों से लूनी नदी, बिजराल की पहाड़ियां से खारी, और बीछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी। तो आप सभी को भली भांति पता होगा और बहुत ही इजी सवाल है, बहुत बार हमने इस प्रकार के सवालों का डिस्कस किया है। खमनोर, खमनोर की पहाड़ियां आपकी कहाँ पर है, ये आपकी राजसमंद में है, ठीक है। और राजसमंद की जो खमनोर की पहाड़ियां हैं ये आपकी गुलाब की खेती के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर कौन सा गुलाब होता है, तो गुलाब की एक किस्म है जिसका नाम है चेती। तो चेती गुलाब की जो खेती है ये आपकी खमनोर में होती है, और यही खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसे कहते हैं बनास नदी, और बनास को कहते हैं वन की आशा और वर्ण आशा के नाम से इस बनास नदी को जाना जाता है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर कहे तो उसका नाम है बनास नदी, ठीक है। तो यही सुमेलित नहीं है। दिवेर की पहाड़ियां से कोठारी नदी का उद्गम होता है, बिजराल की पहाड़ियां उदयपुर में है यहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है, और बीछामेड़ की पहाड़ियां उदयपुर में है यहाँ से सोम नदी का उद्गम है वो होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से सही सुमेलित हैं। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत बार हमने पढ़ा है और बहुत बार इनसे सवाल पूछे जाते हैं। कोपेन, थॉर्नवेट, ट्यूबार था, इन जो भूगोलवेत्ताओं ने वैश्विक जलवायु का जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण को अगर देखा जाए तो राजस्थान को चार जलवायु प्रदेशों में है वो क्लासिफाइड है वो किया जा सकता है। तो देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग AW जो जलवायु का प्रतीक है उसमें झालावाड़ जिले को रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। CWG बांसवाड़ा, ये गलत है। BSHW अलवर, तो ये भी गलत है। BWHW बीकानेर, ये सही है। तो इसमें ए और डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कूट को देखा जाए तो विकल्प नंबर चार हमारा सही उत्तर है। तो राजस्थान का ये अगर इस प्रकार से राजस्थान का मैप है तो इसमें अगर कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण को देखा जाए तो ये जो भाग है ये आपका BWHW के अंतर्गत रख सकते हैं, BWHW। इसके बाद में ये अरावली का पश्चिम जो भाग है और BWHW का पूर्व जो हिस्सा है ये BSHW के अंतर्गत रख सकते हैं, और ये जो दक्षिण वाला भाग है ये AWG, और ये जो उत्तर वाला भाग है ये CWG के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर जो CWG है तो CWG के अंतर्गत अलवर को रख सकते हैं और AW के अंतर्गत बांसवाड़ा, इसके अलावा कोटा का भी भाग AW में सम्मिलित किया जाता है, झालावाड़, डूंगरपुर, ये जो जिले हैं ये आपके AW के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और डी। यही इसी सवाल में अगर आपसे पूछा जाए कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं पूछा जाए तो सीधा क्या हो जाएगा, बी और सी यानी कि एक हो जाता है अगर नहीं यहाँ पर पूछा जाए तो, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है। तो मैंने आपको कल ही के सेशन में ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से बताई थी पूरी की पूरी 2021 के नवीनतम डेटा के अनुसार कि राजस्थान में जो आरक्षित वन कौन से जिले में सर्वाधिक है, रक्षित कौन से में है और अवर्गीकृत कौन से में है। तो आप सभी को भली भांति पता होगा, देखिए आरक्षित वन की यहाँ पर बात हुई है 2020 के अकॉर्डिंग पूछा है, 21 के अकॉर्डिंग भी सेम ही है। तो 21 में अगर आरक्षित वन सर्वाधिक पूछा जाए तो वो कौन सा है, उदयपुर में है, और रक्षित सर्वाधिक पूछा जाए तो वो कौन सा है, बारां जिले में है, ठीक है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि अनक्लासिफाइड अवर्गीकृत सर्वाधिक वन कौन से जिले में है, तो वो है आपका बीकानेर जिले में। ठीक है, एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें याद रखें। तो यहां पर आप देख सकते हैं आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था उस पेपर में, तो उसमें पूछा था सर्वाधिक रक्षित वन, जिसमें कि करौली का विकल्प दे रखा था, 12 वाला ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो इसमें पूछा है हमें सर्वाधिक आरक्षित वन, तो सर्वाधिक आरक्षित वनों वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? उदयपुर जिले। दूसरे स्थान पर चित्तौड़गढ़ और तृतीय स्थान है वो अलवर का आता है। तो रक्षित वन अगर सर्वाधिक बात करें तो ये है 12 जिले में, एक नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा करौली जिला और तृतीय स्थान पर है ये आपका उदयपुर जिला है रक्षित वन। अवर्गीकृत वन अगर आपसे सर्वाधिक पूछा जाए तो बीकानेर सबसे ज्यादा, उसके बाद में आपका स्थान आता है बीकानेर के बाद में श्री गंगानगर, और तीसरा स्थान है वो जैसलमेर का है। ठीक है, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। तो ये राजस्थान के आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत वनों में सर्वाधिक वनों वाले जिलों का क्रम है वो हो गया। ठीक है, और मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि आरक्षित वन कितना है, रक्षित कितना है, अवर्गीकृत कितना है। तो रक्षित को संरक्षित वन भी कहते हैं, प्रोटेक्टेड भी कहते हैं, और ये राजस्थान के 56.43 यानी कि टोटल जो फॉरेस्ट है उस टोटल फॉरेस्ट का 56.43% है ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और 37.05% है ये आरक्षित यानी कि रिजर्व कैटेगरी के फॉरेस्ट है, और 6.52% है ये आपके अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। टोटल अगर वनों की बात करें तो यहाँ पर 32,864 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में अभिलेखित वन है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, जो राजस्थान के टोटल एरिया का 9.60% है वो भाग रखता है। ठीक है, तो ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं वापस, तो यहाँ पर आरक्षित वन पूछा है तो उदयपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर है चित्तौड़गढ़ और तीसरे नंबर पर है अलवर। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल। राजस्थान के जो मिनरल्स है और उनसे संबंधित जो स्थान है, क्षेत्र है, उनसे जुड़ा सवाल पूछा है। तो देखिए, लो एश राजस्थान के किस क्षेत्र से निकाला जाता है? तांबा, सीसा, जस्ता और टंगस्टन। तो लोह ऐश की बात करें तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि खेतड़ी सिंगाना का हम बात कर रहे थे, तो हमने बताया कि डाबला सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना तो किसका है? लो ताम्र ऐश का है, लेकिन डाबला जो सिंगाना है झुंझुनू का, ये आपका लो ऐश का है। तो लो ऐश में आप एक में करेंगे डाबला सिंगाना जो कि झुंझुनू में है, और किसके लिए है? लो ऐश की खान है। इसके अलावा मोरिजा बानोला जयपुर का, नीमला रायसेला दौसा का, थुरहंडेर नाथरा की पाल जोड़ की डूंगरपुर में है, ये सारे के सारे आपके लो एस के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। तांबा की बात करें तो खेतड़ी सिंगाना तो है ही, इसके अलावा कोलिहान, भगोनी, ठीक है, भगत का बास वगैरह है। तो यहाँ पर खो दरीबा दिया हुआ है अलवर का, तो खो दरीबा ताम्र ऐश के लिए जाना जाता है जो कि अलवर में है। सीसा जस्ता की खान है आपकी चौथ का बरवाड़ा, ठीक है, सवाई माधोपुर में है, ये कहाँ है? सवाई माधोपुर। ये जो खान है ये कौन से जिले में लोकेटेड है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी बार पूछा जाता है। टंगस्टन की बात करें तो डेगाना भाकरी ये कहाँ पर है? नागौर में है, एकमात्र टंगस्टन की सक्रिय खान जहां से उत्खनन होता है। इसके अलावा टंगस्टन की एक खान है वालदा में, वालदा सिरोही में टंगस्टन है वो भंडार देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमारा क्या राइट आंसर होगा? एक में चार, केवल और केवल 4 नंबर विकल्प में है, तो इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लो एश की बात करें तो मैंने आपको बताया लो एश के प्रमुख जो खनन क्षेत्र है मोरिजा बानोला, नीमला रायसेला, बगुली सराय, पचलंगी और आपका डाबला सिंगाना हो गया। ठीक है, नाथरा की पाल जो थुरहुंडेर वगैरह है ये लो एश के है। तांबे की बात करें तो खेतड़ी सिंगाना, खो दरीबा, कोलिहान, भगोनी, ठीक है, इसके अलावा सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता, रामपुरा, आगुचा, राजपुरा, दरीबा, ठीक है, इसके अलावा चौथ का बरवाड़ा, ये सीसा जस्ता के, और राणा लाखा के खाल में
सॉरी राणा लाखा के काल में जावर उदयपुर में चांदी की खान की है वो खोज हुई थी, जो सिरसा की सबसे पुरानी और प्राचीन खान है वो मानी जाती है। ठीक है, और टंगस्टन है ये आपका, इसका यूज क्या होता है आप सब जानते होंगे, जो बल्ब का तंतु बनाया जाता है इसी टंगस्टन से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पशु गणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, बकरी भैंस भेड़ और ऊंट। तो 2019 की पशु गणना जो कि अब तक की सबसे लेटेस्ट पशु गणना है, ठीक है, और इस पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुओं की संख्या है उसमें है बकरी। ठीक है, बकरी की संख्या 20.84 मिलियन है, यानी कि 2 करोड़ और 8 लाख के समथिंग है। ठीक है, बकरियों की संख्या, और राजस्थान के कुल अगर पशुओं की संख्या की बात करें तो 568 लाख है। ठीक है, 568 लाख राजस्थान के टोटल है वो पशु है, और सबसे ज्यादा जो बकरियां हैं ये आपके कौन से जिले में पाई जाती हैं, तो ये बाड़मेर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है, तो केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में अवस्थित है, और ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा। इसमें 3 धौलपुर के महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, केसर बाग एक है, राम सागर और एक है वन विहार। राम सागर, केसर बाग और वन विहार ये धौलपुर के वन्य जीव अभयारण्य हैं। 12 का वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यहाँ का है शेरगढ़, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 12 का है, जिसे सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, और उदयपुर में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है आप सभी अच्छे से जानते हैं, और नागौर में एक जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जिसका नाम है रोटू। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व भी है, तो ये जो रोटू है ये आपका नागौर में है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण जो नीति है ये बनाई थी, तो राजस्थान एनवायरमेंट जो पॉलिसी है वो 2010 में इम्प्लीमेंट है वो की थी, और 2010 में वाटर पॉलिसी यानी कि जल नीति, वन नीति और पर्यावरण नीति भी कहें तो ये जो नीतियां हैं ये 2010 में आपकी लागू हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई, तो आपके जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं और मोस्टली आपके सिलेबस में सूखा, अकाल, बेरोजगारी, मरुस्थलीकरण ये टॉपिक आपके होंगे ही इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, राजस्थान ज्योग्राफी में भी सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अकाल के बारे में पूछा है, और ये जो सवाल पूछा है ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई, ये जो अकाल से संबंधित दो तीन अलग अलग सवाल है वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है सर्वाधिक जिले प्रभावित हुए किस वर्ष, अकाल से प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी, या सर्वाधिक गांवों की संख्या प्रभावित हुई, सर्वाधिक गांव है वो अकाल से कब प्रभावित हुए, या फिर सर्वाधिक जनसंख्या किस वर्ष में प्रभावित हुई। तो ये दो तीन चीजें हैं हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जिलों की संख्या किस वर्ष प्रभावित हुई, तो आप बताएंगे 2002-3 में, और ये बहुत बार पूछा गया है, 2002-3 में राजस्थान के जितने भी जिले थे उस समय राजस्थान में 32 जिले थे, और 32 के 32 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। और यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई, और इसमें विकल्प 2004, 5, 9, 10, 13, 14 और 91, 92 है, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई या सर्वाधिक जो गांव है वो प्रभावित हुए थे वो 2009-10 में प्रभावित हुए। यहाँ पर आइए देखते हैं हम, ये राजस्थान में अकाल और अभाव की स्थिति के बारे में हुई क्षति का वर्णन है, यहाँ प्रभावित जिलों की संख्या है, प्रभावित गांवों की संख्या है, और उनसे प्रभावित होने वाली जनसंख्या है यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए 2000
उस सवाल में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है वो कब प्रभावित हुई। तो जनसंख्या की बात करें तो 2004-5 से देख लेते हैं, 227 लाख, 198 लाख, 136 लाख, 56 लाख, ठीक है, 100 लाख, 429 लाख। तो यहाँ पर अगर पूरे में हम देखेंगे तो हमें जनसंख्या अगर लाखों में देखी जाए तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो 429 लाख है, ये 2009-10 में प्रभावित होती है। वो सर्वाधिक गांवों की संख्या है, यानी कि सर्वाधिक जो गांव प्रभावित हुए वो भी हमें सर्वाधिक दिखते हैं 2009-10 में, ठीक है। 33,464 गांव प्रभावित हुए और 429 लाख जनसंख्या है वो प्रभावित हुई, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए यही सवाल, अगर इन्हीं ऑप्शंस के साथ में आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष अकाल में राजस्थान के सर्वाधिक जिले प्रभावित हुए, तो आप क्या बताएंगे? 2004-5, यानी कि जिले तो प्रभावित हुए थे कब? 2004-5 में। यहाँ पर देखिए 2004-5 में कितने, 31 जिले प्रभावित हुए थे, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें तो 27 जिले 2009-10 में। तो सबसे अधिक जो जिले प्रभावित हुए वो आपको ध्यान में रखना है 2002-3 में सर्वाधिक जिले, यानी कि 32 जिले, 2004-5 में 31 जिले, और उसके बाद में 2009-10 में 27 जिले हैं वो सबसे अधिक प्रभावित हुए। और सबसे कम जिले प्रभावित कब हुए ये आपसे पूछा जाए तो 2010-11 आप बता सकते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं, आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जिले कब प्रभावित हुए, तो 2002-3 में, और उसके बाद में 2003 और 4-5 में सर्वाधिक जिले प्रभावित हुए थे। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या कब प्रभावित हुई, तो जनसंख्या 2009-10 में। सर्वाधिक ग्राम कब प्रभावित हुए, तो सर्वाधिक गांव भी 2009-10 में प्रभावित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो मरु विकास डेजर्ट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये राजस्थान में 1977-78 में शुरू हुआ था। 1977-78 मरु विकास कार्यक्रम, पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं उन मरुस्थलीय जिलों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ये प्रोग्राम है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया था। और ये स्टार्टिंग में 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी, लेकिन 1 अप्रैल 1999 में इसका जो अनुपात है वो 75:25 कर दिया, यानी कि केंद्र सरकार ने कहा कि कुछ राज्य सरकार भी, राजस्थान सरकार भी इस जो प्रोग्राम है इसमें हिस्सेदारी करे, अपना भी योगदान दे। तो राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 1999 में 25% अपनी भी हिस्सेदारी इसमें है वो स्टार्ट कर दी। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है, तो वो है 75:25%, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी राजस्थान की अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है, यानी कि इंटर स्टेट जो इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से नहीं है? जाखम सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नांगल, जवाई और व्यास। तो पिछले वीडियो में भी हमने देखा था इसी प्रकार का सवाल था। तो यहाँ पर देखिए भाखड़ा नांगल और व्यास परियोजना है, ये आपकी अंतरराज्य सिंचाई परियोजना है जिसमें तीन जो राज्य है वो जुड़े हुए हैं, पहरा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल और व्यास परियोजना। जाखम परियोजना केवल राजस्थान की है और जवाई परियोजना में भी किसी अन्य स्टेट का योगदान या भागीदारी इसमें नहीं है। जाखम परियोजना जाखम बांध पर है प्रतापगढ़ में, और जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जवाई परियोजना जवाई नदी पर है, पाली में है, ठीक है, और जवाई बांध पर ये जो परियोजना बनी हुई है, ठीक है, और इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और सी, यानी कि अंतरराज्य सिंचाई परियोजना नहीं है, तो ए और सी नहीं है, 4 नंबर वाला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। इसमें पूछा जाए कि अंतरराज्य परियोजना कौन सी है, तो बी और डी अंतरराज्य परियोजना है। तो इस प्रकार का तो कोई विकल्प ही नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हम 4 नंबर वाले विकल्प को यहाँ पर सही करेंगे, ठीक है, ए और सी, जाखम और जवाई। नेक्स्ट है, राजस्थान का जिला जिसकी
2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो प्रतिशत रही, यानी कि जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, वो राजस्थान में सबसे अधिक किसकी रही? तो सबसे अधिक रही थी बाड़मेर की, और सबसे न्यून किसकी रही? तो सबसे न्यून रही थी गंगानगर की, बाड़मेर की रही थी 32.5%, यानी कि 32.5% है पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, और जैसलमेर की थी 31.8%। अगर आपसे इस प्रकार से भी ये सवाल पूछा जा सकता है, और एक बार पूछा भी गया था कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी 2001 से 2011 में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, तो 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राजस्थान के केवल दो जिले हैं, एक तो बाड़मेर है और एक है आपका जैसलमेर है। जैसलमेर की 31 और बाड़मेर की 32% जनसंख्या वृद्धि दर रही है, और न्यूनतम किसकी रही है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर आपकी श्री गंगानगर जिले की रही है, कितनी? 10%। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 2001 से 11 के मध्य राजस्थान की औसत जो जनसंख्या वृद्धि दर है, ऑल ओवर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है। ठीक है, आपको पता नहीं हो तो एक बार आप गूगल सर्च अवश्य करें और किताब में देख करके आप इनको कंफर्म करें। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से है वो सुमेलित आपको करना है। ठीक है, ऊर्जा और स्थान दे रखा है, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्रमाणविक ऊर्जा। तो ये सवाल भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, सॉरी आरपीएससी का ये पेपर है, तो आरपीएससी ने इस सवाल को डिलीट किया है, और डिलीट करने के पीछे इसमें वजह भी ये है कि यहाँ पर जो कूट है ये कूट सही नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऊपर जो दे रखे हैं सूची इसके अनुसार। यहाँ पर प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस में हम इस भेरूखेड़ा को है वो सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन जो पवन ऊर्जा परियोजना है, तो पवन ऊर्जा परियोजना रामगढ़, सौर ऊर्जा परियोजना की बात करें तो सौर ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग, और प्रमाणिक ऊर्जा है वो रावतभाटा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए आपकी जो पवन ऊर्जा परियोजना है, तो पवन ऊर्जा परियोजना बी में क्या हो जाएगा? रामगढ़। लेकिन यहां पर अगर बड़ा बाग की बात करें तो बड़ा बाग भी आपका किस में है? पवन ऊर्जा में है। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग बड़ा बाग जैसलमेर में है, यहां पर भी पवन ऊर्जा के संयंत्र लगाए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति की वजह से इस सवाल को आरपीएससी ने डिलीट किया है। आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के जो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इसके जो प्रमुख जो केंद्र है वो कौन कौन से हैं। तो अगर बात करें पवन ऊर्जा की, तो पिछले सेशन में बताया था राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा जो संयंत्र है वो आपका अमर सागर में लगाया गया था, जैसलमेर के अमर सागर, दूसरा है देवगढ़ प्रतापगढ़ में, और तीसरा है बीथड़ी जोधपुर में, फलोदी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें सौर ऊर्जा की, तो राजस्थान के जो सोलर एनर्जी पावर प्लांट है, तो इनमें आपको देखना है बढ़ला जो सोलर पार्क है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। इसके अलावा जैसलमेर का नोक है, और कुछ अन्य सोलर जो प्रोजेक्ट है वो भी राजस्थान में लगाए गए हैं, और उनसे संबंधित काफी बार सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, जो रिन्यू जो नवीकरणीय ऊर्जा है, तो उनसे संबंधित ये जो सवाल है आपसे पूछना लाजमी है। तो इसमें ध्यान रखिए गोरी धुनिया, अगोरिया, ये राजस्थान के सोलर एनर्जी के पावर प्लांट है। तो गोरीर कहां पर है, ये आपसे मिलान भी करवाया जाता है, एक दो बार इस प्रकार के सवाल भी पूछे गए हैं। तो गोरीर आपका झुंझुनू में है, धुनिया की बात करें तो धुनिया जोधपुर में, और अगोरिया आपका बाड़मेर में है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, और राजस्थान का एटॉमिक एनर्जी है ये आपका प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये आपका रावत भाटा में लगाया गया था। ठीक है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे अब, कौन सा युग्म गलत है? उदयपुर, गोतमेश्वर, जैसलमेर जीवाश्म पार्क, हनुमान बड़ोपल और अलवर हर्षोरा। तो यहाँ पर जो गलत युग्म है
ये एक हो जाएगा उदयपुर गोतमेश्वर। तो गोतमेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है ये आपका अरनोद में है, अरनोद प्रतापगढ़। ठीक है, आज इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट डाली हुई है, आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो अरनोद में गोतमेश्वर महादेव का मंदिर है और ये काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। ऐसा लोक मान्यता है इसी मंदिर के संबंध में कि महमूद गजनवी जब राजस्थान के जो देवी देवताओं के जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करते हुए यहाँ पर आता है प्रतापगढ़ में और इस मंदिर में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित था उस शिवलिंग को इन्होंने खंडित कर दिया और लगातार दो तीन उस शिवलिंग पर प्रहार किए तलवार से। तो उस शिवलिंग से जो मधुमक्खी है वो मधुमक्खी उत्पन्न हो गई और मधुमक्खियों ने काफी जो सेना थी महमूद गजनवी की उस सेना को है वो घायल कर दिया और उसके बाद में महमूद गजनवी है ये इस मंदिर पर आकर के शीश नवाता है और इस मंदिर का पुनर्निर्माण है वो महमूद गजनवी करवाता है, ऐसी लोक मान्यता है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर पे जो महमूद गजनवी ने एक शिलालेख भी लिखवाया था वो भी आज भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और इस गोतमेश्वर महादेव मंदिर को वांगड़ का या आदिवासियों का हरिद्वार, वांगड़ का हरिद्वार या आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। इस संबंध में ऐसी भी मान्यता है कि गौतम ऋषि ने गो हत्या का, जो गौतम ऋषि के ऊपर गो हत्या का कलंक लगा था उस कलंक को, उस पाप को भी उन्होंने यहाँ आकर ही उसका प्रायश्चित किया था। तो ऐसी भी मान्यता है, इसलिए इसे गोतमेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपका प्रतापगढ़ की अरनोद तहसील में स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान का जीवाश्म पार्क है वुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। हनुमानगढ़ में बड़ोपल और हर्षोरा ये आपका पुरातात्विक स्थल है, अलवर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है बागौर के बारे में। तो बागौर राजस्थान का बहुत ही अच्छा पुरातात्विक स्थल है और बहुत बार इस संबंध में आपको सवाल भी देखने को है वो मिल रहे हैं बैक टू बैक। तो देखिए बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो बागौर लघु पाषाणोपकरण मिले हैं, यहाँ पर जो माइक्रोलिथिक औजार है वो मिले हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। वी एन मिश्र बागौर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, ये बात भी सही है, बागौर का उत्खनन कार्य वी एन मिश्र ने किया था। ठीक है, और ये आपकी मध्य पाषाणिक संस्कृति है, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति है और यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो मिले हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य राजस्थान में कहाँ पर मिले हैं, बागौर भीलवाड़ा से। तो एक और दो दोनों ही सही है। नेक्स्ट है किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर योधे, मालव, अर्जुनायन और राजन्य। तो ये जो जनजाति है गणतांत्रिक जनजाति, ये 327 ईस्वी में जब अलेक्जेंडर उत्तर पश्चिम में आक्रमण करता है, सिकंदर महान का जो आक्रमण होता है, तो उत्तर पश्चिमी भाग से कई जातियां राजस्थान में आ जाती है और यहाँ आकर के शरण लेती है, जिसमें कि योधे, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास में, अर्जुनायन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और मथुरा, आगरा के पास में बस जाते हैं। ठीक है, और मालव आपके टोंक के पास में। तो ये जो मालव जनजाति है, कबीला है, यहाँ से सर्वाधिक सिक्के है वो प्राप्त हुए हैं, गणतांत्रिक जनजाति के सिक्के मालव जनजाति के। और ये आपके कहाँ से, रेड और नगर टोंक में जो पड़ता है। ठीक है, इसे कारकोट नगर के नाम से भी जाना जाता है। रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गुप्तकालीन बड़ी संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये मालव गण जो गणतांत्रिक जनजाति है इनसे संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये इसी प्रकार का सवाल एक बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी पूछा था। नेक्स्ट है काकिल देव किस वंश से संबंधित है, गुहिल, चौहान, राठौड़ और कछवाह। तो काकिल देव ये आपके कछवाह राजवंश से संबंधित है। कछवाह राजवंश कहाँ का था, आमेर का। देखिए आमेर का जो राजवंश था कछवाह राजवंश, ये कछवाह राजवंश पहले तो चौहानों के सामंत हुआ करते थे और उसके बाद में एक व्यक्ति आता है दूल्हा, जिसका नाम है दूल्हे राय। ठीक है, दूल्हे राय ने दौसा के आसपास में मीणाओं का शासन था,
मीणे और बड़गुजर यहाँ शासन किया करते थे, तो मीणाओं और बड़गुजरों को दुल्हे राय ने हराया और 1137 में इन्होंने दौसा को अपनी राजधानी बनाया। दौसा के बाद में दुल्हे राय अपनी द्वितीय राजधानी है ये बनाते हैं जमवा रामगढ़ में। ठीक है, जमवा रामगढ़ के बाद में आपका 1207 में ये काकिल देव आता है। ठीक है, और काकिल देव जो कछवाहा की राजधानी आमेर में स्थापित करते हैं, और ये जो राजधानी है 1207 से लगा करके 1727 तक रहती है, जब तक कि सवाई जयसिंह जयपुर को अपनी राजधानी ना बना लेते हैं। ठीक है, तो जयपुर की क्या राजधानियां रही है, जयपुर की सॉरी नहीं, कछवाहा शासकों की चार राजधानियां रही है, पहली दौसा, दूसरी जमवा रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर, जो कि सवाई जयसिंह ने 1727 में स्थापित की थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी, अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह और तख्त सिंह। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये बहुत प्राचीन दुर्ग है, इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो चित्रांग नामक मौर्य ने करवाया था, मौर्य शासकों के द्वारा निर्मित यह दुर्ग है, और 8वीं सदी में यहाँ के शासक हुए थे मेवाड़ में बप्पा रावल, जिसे काल भोज कहा जाता है। बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान को पराजित करके इस दुर्ग पर है वो विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग समय में कभी मुगलों ने इस दुर्ग पर अधिकार किया, तो कभी तुर्कों ने, इस प्रकार से अनेक शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किया और इस दुर्ग को अपने अधीन लिया। उसके बाद में यहाँ पर अकबर है वो आधिपत्य कर लेता है, और अकबर के अधीन ये दुर्ग चला जाने के बाद में 1615 में जब अमर सिंह के साथ में संधि होती है, और उस संधि में भी अमर सिंह मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस संधि के तहत चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करने का है वो इजाजत नहीं दी जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो उनको सौंप दिया था लेकिन मरम्मत की इजाजत नहीं दी थी। उसके बाद में जगत सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। ठीक है, कर्ण सिंह और उसके बाद में जगत सिंह, तो जगत सिंह ने इस चित्तौड़गढ़ किले की है वो मरम्मत करवाई थी। ठीक है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, तो यहाँ पर तीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने। बहुत ही अलग ही तरीके का सवाल है वो पूछा है, तो ये भी आप याद रख लीजिए, बाकी इसका आंसर देना तो हर किसी के लिए पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर द्वारका दास पुरोहित राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें 1944 में नगर पालिका बोर्ड जोधपुर के अध्यक्ष है वो नियुक्त किए थे। ठीक है, तो तीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो स्वामी गोपाल दास ने 1907 में चूरू में, इसका नाम है सर्व हितकारिणी सभा। ठीक है, सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में की। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है, दो तीन डायमेंशन से इस सवाल को आप ध्यान में रखिए। एक तो स्वामी गोपाल दास ने सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब की, तो 1907 में, कहाँ की ये सवाल पूछ लिया है चूरू में, और एक ये भी पूछा जा सकता है कि चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो स्वामी गोपाल दास। ये दो तीन चीजें आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखें, गोपाल दास 1907, सर्व हितकारिणी सभा और चूरू। ठीक है, नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया, पी सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति, एस के धर समिति और फजल अली समिति। तो यहां पर आपका मेनली जो कन्फ्यूजन रहता है वो पी सत्यनारायण राव समिति और शंकर राव देव समिति पर रहता है कि मत्स्य संघ से संबंधित कौन सी समिति थी और राजधानी के मुद्दे से संबंधित कौन सी समिति थी। तो यहां पर आज क्लियर कर देते हैं, मत्स्य जो संघ था इसमें आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीम राणा, ये चार रियासतें और एक ठिकाना है वो सम्मिलित था,
18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ है वो स्थापित हुआ था। मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का शुरुआती चरण था, आप सभी को अच्छे से इसके बारे में तो पता ही होगा। तो अब मत्स्य संघ इसका गठन तो 18 मार्च 1948 को हो गया, लेकिन ये एक अलग रूप से, यानी कि 4 रियासतें और एक ठिकाने के रूप से ही ये अलग बसा रहा, यानी कि राजस्थान में सम्मिलित नहीं हुआ। तो कुछ इसके जो धौलपुर था, तो धौलपुर की जो जनता है ये बहुमत के आधार पर, धौलपुर का जो शासक है ये बहुमत के आधार पर यूपी में विलीनीकरण को राजी था। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया कि एक समिति बनाई जिसका नाम है शंकर राव देव समिति, और शंकर राव देव समिति का गठन किया और समिति के माध्यम से जनता से राय ली गई कि क्या वाकई में आप यूपी में मिलना चाहते हैं या फिर राजस्थान में ही रहना चाहते हैं। तो इसमें जनता ने अपना मत पत्र दिया और जनता की राय के आधार पर ही मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया, और ये काम किया था शंकर राव देव समिति ने एक कमेटी गठित करके। ठीक है, तो शंकर राव देव समिति और मत्स्य संघ ये किस प्रकार से संबंधित है आप ध्यान में रखिए। देखिए, तो मत्स्य मत्स्य नाम किससे पड़ा है, मत्स्य मछली, और एक मत्स्य विष्णु का भी अवतार है, मत्स्य अवतार। ठीक है, तो उस मत्स्य और शंकर से ध्यान में रखिए, विष्णु और शिव, यानी कि मत्स्य विष्णु का अवतार है और शंकर शिव जी को कहा जाता है। तो शिव और विष्णु आप इंटरलेट करते हुए इन चीजों को याद रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो मत्स्य संघ और शंकर राव, ठीक है, शिव विष्णु, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं पी सत्यनारायण राव समिति की। तो पी सत्यनारायण राव समिति ने क्या किया था, अच्छा एक बात और कि ये जो मत्स्य संघ है ये राजस्थान में सम्मिलित कब हुआ। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि मत्स्य संघ राजस्थान में सम्मिलित कब हुआ, उसमें दो विकल्प तो आपको मिलते ही है, 18 मार्च 1948 पहला ही ऑप्शन होता है और दूसरा ऑप्शन 15 मई 1949। ठीक है, तो 15 मई 1949 राजस्थान के एकीकरण का जो पांचवा चरण था उस पंचम चरण में मत्स्य संघ राजस्थान में सम्मिलित होता है। ठीक है, तो 18 मार्च को गठित हुआ और 15 मई 1949 को मत्स्य संघ राजस्थान में सम्मिलित हुआ, किस समिति की सिफारिश पर, शंकर राव देव समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, अब बात करते हैं पी सत्यनारायण राव कमेटी की। तो पी सत्यनारायण जो राव कमेटी है ये राजधानी के मुद्दे को हल करने के लिए गठित की गई थी, यानी कि राजधानी कुछ लोग चाहते थे कि जयपुर में बने और कुछ लोग चाहते थे कि जोधपुर में। तो इस समस्या को हल करने के लिए पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया और इस पी सत्यनारायण राव समिति ने एक सिफारिश दी 1958 में, और इन्होंने, वो तो आप सभी को पता है कि मार्च 1930 को जो इनका फैसला आया था, और 30 मार्च के फैसले के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि राजधानी तो रख ली कहां पर, जयपुर में। ठीक है, और हाई कोर्ट है वो जोधपुर में रख लिया और इसकी जो बेंच है वो जयपुर में रख ली। ठीक है, और उसके बाद में 1958 में एक जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जोधपुर में रखेंगे, राजधानी जयपुर को दे दी, तो फिर जयपुर को हाई कोर्ट की बेंच देने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए जयपुर से जो हाई कोर्ट की जो बेंच है वो हटा दी थी 1958 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। लेकिन काफी लोग हैं वो इनके विरोध में उतर गए और 31 जनवरी 1977 को ये जो आपकी जयपुर को जो हाईकोर्ट की जयपुर बेंच है इनको वापस पुनर्बहाल किया गया। ठीक है, तो ये आपका सारा काम सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर ही हुआ था। इस सिफारिश के अनुसार आपका जो कृषि विभाग है ये भरतपुर को दे दिया, इसके अलावा हाईकोर्ट जोधपुर को, जो खनन विभाग है ये आपका उदयपुर को दे दिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है, हाई कोर्ट जोधपुर। ठीक है, तो ये पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही हुआ था। आपका आरपीएस ही है ये अजमेर दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बढ़ेर का प्रयोग करता है, अहीर, बंजारा, सिरवी और देवासी। तो सिरवी जो समुदाय है
ये अपने मंदिरों के लिए बड़े शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब सिरवी ये जो जाति है ये मेनली आपकी जोधपुर के आसपास में पाई जाती है। ठीक है, और ये बड़े किन के थान के लिए करता है, तो ये आई माता है, बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है आई माता जी का, और ये जो आई माता जी के मंदिर वगैरह होते हैं तो इनके लिए ये बड़े शब्द का प्रयोग करते हैं सिरवी जाति। ठीक है, नेक्स्ट है, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे, तो जयनारायण व्यास, वसुंधरा राजे, भैरव सिंह शेखावत और शिवलाल शिवचरण माथुर। तो 3 बार रहने वाले आपके भैरव सिंह शेखावत है। इसके अलावा आपके वर्तमान में अगर बात करें अशोक गहलोत, तो ये भी 3 बार और चौथी बार की तैयारी में है। इसके अलावा जो आपके मोहनलाल सुखाड़िया है, ये आपको पता ही है राजस्थान में सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया, 3 बार एक तो आपके जोशी, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत और भैरव सिंह शेखावत, तीन व्यक्ति 3 बार रहे हैं और मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार। नेक्स्ट है, त्रिलोक हीरानंद, साहिब राम एवं रामजी दास किस रियासत के चित्रकार थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। तो कल ही के सेशन में हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में कि साहिब राम है ये आपके जयपुर के, और साहिब दीन है ये मेवाड़ के हैं। ठीक है, और साहिब राम है ये आपके आदमकद पोर्ट्रेट के लिए जाने जाते हैं, आदमकद व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है साहिब राम, जयपुर के चित्रकार। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट है, कौन सा राग कल्पद्रुम का रचनाकार है। आप प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़कर इसका सही आंसर देने का प्रयास करें, कितने लोग हैं जो उनका सही से आंसर है वो दे पाएंगे। देखिए, राग कल्पद्रुम पूछा है, राधा कृष्ण, भाव भट्ट, पुंडरिक विठल और कृष्णा नंद व्यास। तो देखिए, राग कल्पद्रुम यहां पर पूछा है, तो राग कल्पद्रुम के रचयिता है वो कृष्णानंद व्यास है। और राग कल्पद्रुम के संबंध में एक बार ये सवाल भी पूछा गया था कि इस संबंध में, इस ग्रंथ के संबंध में किसी व्यक्ति ने कहा है कि हम नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत की किसी भी भाषा में है या नहीं है, यानी कि इसकी ग्रंथ की काफी विशालता के बारे में वर्णन मिलता है कि ये बहुत बड़ा ग्रंथ देखने को मिलता है, और ये ग्रंथ है ये आपका संगीत पर लिखा गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये राग पहला लिखा हुआ है राग, तो राग का मतलब ही संगीत से ही है। ठीक है, कृष्णानंद व्यास है ये आपके मेवाड़ के रहने वाले थे। ठीक है, राग कल्पद्रुम और कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम के अलावा भी एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है राग रत्नाकर। ठीक है, क्या नाम है, राग रत्नाकर, राग रत्नाकर और राग कल्पद्रुम। ठीक है, एक कल हमने पढ़ा था राज रत्नाकर, तो राज रत्नाकर अलग है, राग रत्नाकर अलग है। राग रत्नाकर ये आपके कृष्णानंद व्यास और राग कल्पद्रुम भी कृष्णानंद व्यास। पंडित भाव भट्ट ने भाव मंजरी नामक ग्रंथ है वो लिखा था, भाव मंजरी पिछले पेपर में पूछा था, पंडित भाव भट्ट, भाव मंजरी, कृष्णानंद व्यास, राग रत्नाकर और राग कल्पद्रुम, और एक ग्रंथ है राज रत्नाकर, राज रत्नाकर ये है आपका सदाशिव का, और राज विनोद है ये सदाशिव भट्ट का है। पुंडरीक विठल ने क्या लिखा था, पुंडरीक विठल ने लिखा था राग मंजरी, राग मंजरी पुंडरीक विठल। तो बहुत बार कंफ्यूज होकर आप राग कल्पद्रुम पुंडरीक विठल कर देते हैं जो कि गलत है, राग मंजरी पुंडरीक विठल, भाव भट्ट ने भाव मंजरी, कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर, और सदाशिव ने राज रत्नाकर और सदाशिव भट्ट ने राज विनोद। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जो जलाशय है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग दो है, एक तो बूंदी में है और एक अजमेर में है, तो अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है इसी में नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा है। इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयराज ने करवाया था,
और इस दुर्ग में कुछ इस दुर्ग के 14 विशाल बुर्जे हैं, ठीक है। और उस बुर्जों में घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, फूटी बुर्ज, फतेह बुर्ज, इस प्रकार के बुर्जों के भी नाम हैं जो काफी बार सवालों में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिए। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये बुर्जे हैं, ये तारागढ़ दुर्ग की है, ठीक है। मीरा साहब की दरगाह भी यही है। गागरौन दुर्ग आपका झालावाड़ में है, जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है, बाला किला अलवर में है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा किला कहाँ है, जो बिगनर है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा, जो बहुत समय से तैयारी पर लगे हुए हैं उनको तो। नेक्स्ट है, दादू पंत की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? गरीबदास जी, मिशकिनदास जी, बनवारी दास जी और सुंदरदास जी। तो दादू पंत के टोटल 52 शिष्य थे, जिन्हें दादू जी के 52 खंभे, दादू जी के 52 स्तंभ, 52 पिलर्स ऑफ दादू पंत कहा जाता है, और उनमें नागा जो एक शाखा है उनकी स्थापना की थी संत सुंदरदास जी ने। और सुंदरदास जी ने अपनी जो रचना लिखी है उनका नाम है सुंदर विलास। तो आपसे पूछा जाए कि सुंदर विलास किसकी रचना है, तो संत सुंदरदास जी की। और ये जो रचना है ये किस भाषा में है, तो ये आपकी ढूंढाड़ी भाषा में है, ढूंढाड़ी बोली में है, ठीक है। दादू जी की बात करें तो दादू जी की प्रधान पीठ दादू संप्रदाय की नारायणा जयपुर में है। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में 1544 में, और अकबर के शासनकाल में इन्होंने राजस्थान में धर्मोपदेश दिया था, और अकबर से ये मुलाकात करने के लिए फतेहपुर सीकरी भी गए थे, ठीक है। और मानसिंह, और इनका भी, दादू जी का और मानसिंह का भी काफी है वो निकट का संबंध है वो रहा था, ठीक है। तो दादू पंत के संबंध में एक फैक्ट है, एक नाम है जिसका है अलख दरीबा। तो दादू संप्रदाय की जो सत्संग स्थल है उसे अलख दरीबा कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू जी की भी रचनाएं हैं वो भी आपकी ढूंढाड़ी बोली में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलू में है? कोलू कहाँ है? फलोदी, जोधपुर में, जिसे कोलू मंड भी कहा जाता है। और यहाँ पर पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर है, पाबूजी जिसे लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, और रेबारी और रायका जातियों में काफी लोकप्रिय देवता है माने जाते हैं। और मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊंट है, ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी राठौड़ को ही जाना जाता है। और ये गायों की रक्षा करते हुए अपने बहनों जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। गोगा जी की बात करें तो गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है, महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया और अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और ददरेवा चूरू में इनका जन्म होता है, और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ, गोगा नवमी के दिन यहाँ विशाल मेला है वो भरता है, ठीक है। तो गोगा जी ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। तेजा जी की बात करें तो तेजा जी का पर्वत सर नागौर में इनका प्रसिद्ध है वो मेले का आयोजन है वो होता है, ठीक है। तेजा जी को भी शिव जी का अवतार है वो माना जाता है, एक बार सवाल भी पूछा था। मल्लीनाथ जी की बात करें तो मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे इनका मेले का आयोजन है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? जागती जोत, मधुमति, परंपरा और मरु महाभारती। तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी ये कहाँ स्थित है? पहली बात तो ये है कि आपको इसकी लोकेशन ध्यान होनी चाहिए। तो राजस्थान भाषा संस्कृति और साहित्य अकादमी है ये आपकी बीकानेर में स्थित है। इसके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम है जागती जोत। जागती जोत पत्रिका राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की है। और एक पत्रिका है मधुमति, तो मधुमति किसकी है? तो राजस्थानी जो आपका साहित्य अकादमी है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, इसकी जो पत्रिका है उसका नाम है मधुमति। और राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापित कब हुआ? तो ये 1958 में स्थापित हुआ था, जनवरी 1958 में।
और ये राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी ये अस्तित्व में आया था 1983 में, 25 जनवरी 1983 में राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, और 28 जनवरी 1958 को उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी है वो स्थापित हुआ था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के सवाल है वो पूर्ण होते हैं, और कुछ यहाँ पर ये सवाल है ये भी लगता है भूगोल से ही संबंधित है, मानसून का सवाल है। तो इसमें पूछा है पुरवाइया से तात्पर्य है, यानी कि पुरवाई क्या होता है, ईस्टर्न विंड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो पूर्व आई यानी कि पूर्व दिशा से आने वाली हवा, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली, बिल्कुल यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्व आई यानी कि पूर्व से आने वाली, पूर्व से चलने वाली, पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली जो हवा है उसे पूर्वाई के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल इसमें गेहूं से संबंधित है, कौन सा मेकारोनी गेहूं है। तो यहाँ पर ये एडवांस जो एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल है वो पूछे जा रहे हैं जो आपके काम के नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब ट्रिटिकम ड्यूरम है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार के सवाल बेसिक राजस्थान जनरल नॉलेज में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से जुड़े 30 सवाल थे जिनका हमने डिस्कस किया। आई होप आपको बेहद ही ये सेशन पसंद आया होगा और आप सभी के लिए काफी यूजफुल है। डेली आप इस सीरीज से जुड़े रहें और आपको प्रत्येक जो सेशन है इसमें कुछ न कुछ चीजें हैं वो नई देखने को मिलेगी, और डेली अगर आप प्रतिदिन दैनिक रूप से इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इनमें अगर आप डेली बेसिस पर ये चीजें देखते रहेंगे और कुछ की पॉइंट, कुछ फैक्ट्स इम्पोर्टेंट नोट डाउन करते हुए उनका डेली बेसिस पर रिवीजन करते रहेंगे तो राजस्थान जीके आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि मैंने मेहनत की है, ठीक है। एक डेली बेसिस पर मनोरंजन के साथ में एक खेल खेल में आपका राजस्थान जीके बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी के लिए एज ए टेस्ट के रूप में भी इस सीरीज का आप बहुत ही अच्छी तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, अपने और साथियों के साथ में, मित्रों के साथ में इस सीरीज को शेयर अवश्य करें। और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यानी कि एक अच्छी तैयारी के लिए आपको प्रत्येक जो टेस्ट है, प्रत्येक जो टॉपिक है, आपने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको स्वयं का मूल्यांकन भी करना चाहिए कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उस टॉपिक से संबंधित अगर सवाल पूछे जा सकते हैं मुझे तो मैं किस हद तक उस टॉपिक को मैंने तैयार किया है। तो पहले आप थ्योरेटिकली पढ़ें, उसके बाद में उसी टॉपिक से संबंधित आप टेस्ट प्रैक्टिस अवश्य करें, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से करें, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी तैयारी काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए हमने ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर राजस्थान की वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज है वो चला रखी है, और राजस्थान सामान्य ज्ञान का सेपरेटली टॉपिक वाइज टेस्ट शेड्यूल है वो भी जारी किया हुआ है। तो वो आप ज्वाइन करके टॉपिक वाइज अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से और मजबूती के साथ में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आरपीएससी आरओईओ के लिए, सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, सीईटी के लिए, इन तमाम परीक्षाओं के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान है तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान भूगोल की सेपरेटली टेस्ट सीरीज भी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा भी कुछ फ्री टेस्ट जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो लिमिटेड है, 10-15-20 क्वेश्चन आपको प्रत्येक टेस्ट में मिलेंगे, लेकिन वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो कुछ ऐसे टेस्ट जो फ्री भी अवेलेबल है उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन अवश्य डाउनलोड करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।